भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थान आपके शहर बेड़ीनाग में पहली बार एकमात्र ऐसा संस्थान जो लेकर आया है आप सभी के लिए इंटरनेशनल लेवल के स्मार्ट प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज, जिनको करने के बाद आप कहीं पर भी आसानी से सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में नौकरी पा सकते हैं या स्वयं का बिजनेस खोलकर कमा सकते हैं महीने के 20,000 रुपए से 50,000 रुपए बड़ी आसानी। तो जल्दी कीजिए, कहीं ये मौका हाथ से छूट न जाए। आपका एक अच्छा फैसला आपका भविष्य बदल सकता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिन ऑफिस में मिलें। हमारा इंस्टीट्यूट टी स्टेट जमुनानगर बेड़ीनाग में। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम करवाने की भी सुविधा है और ऑनलाइन नौकरियों के फॉर्म भरने की भी सुविधा बच्चों को दी जाती है। अब समय बदल गया है, आपका अच्छा कैरियर कौन तय करेगा? केवल और केवल स्मार्ट ट्रेनिंग और अनुभवी कैरियर काउंसलर ही आपके कैरियर का अच्छा फैसला करेंगे, जो हमारे शैक्षिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्निकल के पास है, जो आपके और आपके कैरियर में सफलता दिलाएगा। तो आज ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करिए और अपने कैरियर में सफलता के लिए NIET नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कीजिए। आपका एक अच्छा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप हमारे इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि टी स्टेट जमुनानगर बेड़ीनाग में है, अभी ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा 50% की छूट हमारे हर कोर्सेज में, जिसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग निःशुल्क में दी जाएगी। हमारे इंस्टीट्यूट के हर प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज के साथ, जो आपको आपकी नौकरी में प्लेसमेंट दिलाने में मददगार होगा। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग भी दिया जाता है, जो स्टूडेंट को अच्छी नौकरी दिलाने में बहुत मददगार साबित होता है। हमारे इंस्टीट्यूट में गरीब बच्चे और SC/ST/OBC के लिए नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी सुविधा है। जल्दी कीजिए, कहीं ये मौका हाथ से छूट न जाए। आपका एक अच्छा फैसला आपका भविष्य बदल सकता है। तो अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिन ऑफिस में मिलें। हमारा इंस्टीट्यूट टी स्टेट जमुनानगर बेड़ीनाग में स्थित है।